ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतीय हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत में जिस समय दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय ऋषि सुनक की ताजपोशी की खबर आई। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा भारत जश्न मना रहा है, क्योंकि सुनक भारतीय मूल के हैं, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान के लोग भी ऋषि सुनक के पीएम बनने को लेकर खुश हैं। लेकिन क्यों? ऋषि सुनक के पीएम बनते ही भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारे का वह इतिहास भी सामने आने लगा है। क्या है कहानी, देखते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब दुनिया की एक महाशक्ति के प्रधानमंत्री हैं। वह अगले 2 साल तक ब्रिटेन पर राज करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सुनक के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान में भी जश्न मनाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर लोग सुनक को पाकिस्तान का बताने लगे। सुनक का पीएम बनना निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। उनके पीएम बनने के साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच 75 साल पहले हुए बंटवारे का दर्द और दोनों देशों का इतिहास भी खबरों में आ गया है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक को पाकिस्तानी बताने के पीछे की कहानी ब्रिटिश शासन वाले भारत से शुरू होती है। दरअसल सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनका जन्म स्थान गुजरावाला यानी आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया। इस प्रकार एक अजीब तरीके से नए ब्रिटिश नेता एक भारतीय और एक पाकिस्तानी दोनों हैं। ब्रिटेन में कड़वी राजनीतिक तकरार के बीच भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही उनके सत्ता में आने के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का शहर गुजरावाला देश का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1935 में रामदास सुनक यानी ऋषि सुनक के दादाजी अपनी पत्नी को लेकर केन्या की राजधानी नैरोबी चले गए, और फिर धीरे धीरे कुछ सालों बाद ये सभी ब्रिटेन चले गए, जहां साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में भले ही रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी भारतीय संस्कृति से अलग नहीं किया। वह कई बार कह चुके हैं कि उनका धार्मिक और संस्कृत विरासत भारतीय है। वह मंदिरों में पूजा भी करते देखे गए हैं। साल 2020 में जब पहली बार वह ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने, तो उन्होंने गीता पर हाथ रखकर मंत्री पद की शपथ ली थी। उस दौरान भी वह चर्चा में आए थे।